हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के 14 दिनों की यानी कि 2 हफ्तों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, सरप्राइज की बात तो ये है कि डिस्पाइट द ग्रेट नेगेटिविटी दिस फिल्म गॉट ऑन इट्स फर्स्ट डे विद सुपर नेगेटिव रिव्यूज, इस फिल्म ने अपने 14 दिन बॉक्स ऑफिस पे कंप्लीट कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, पिछले 14 दिनों में ये फिल्म 1 करोड़ का जो फिगर रहता है उसके नीचे नहीं गिरी है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम कि ये फिल्म कुछ लोगों को पसंद आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ द मीडिया शोइंग यू नो एक्स्ट्रा हेट फॉर दिस फिल्म में जो कलेक्शंस थे वो शूट अप नहीं हो पाए। लेकिन गाइज, जैसे मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता हूँ, कोई क्रिटिक, कोई फिल्म एनालिस्ट, कोई भी रिव्यू इतना दम नहीं रखता कि एक अच्छी फिल्म को नीचे गिरा दे। फिल्म अच्छी होगी चलेगी, नहीं अच्छी होगी नहीं चलेगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इतनी अच्छी नहीं थी पर्सनली स्पीकिंग कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाए। मैंने खुद अपने रिव्यू में कहा था कि फिल्म जैसी बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस फिल्म विल बी अ सैड टेल एट द बॉक्स ऑफिस। खुशी की बात यह है कि ये फिल्म एक फ्लॉप नहीं है बल्कि एक बिलो एवरेज फिल्म रह जाएगी बॉक्स ऑफिस पे। बात करें गाइस इसके कलेक्शंस की, तो मैंने आपको इसके डे 8, 9, 10 यानी कि इसके सेकेंड वीकेंड तक के कलेक्शंस बताए थे। बात करें इसके डे 11 के कलेक्शंस के बारे में, यस फ्रेंड्स, डे 11 यानी कि इस फिल्म का मंडे, डे 12 ट्यूजडे, डे 13 वेडनेसडे एंड डे 14 थर्सडे। डे 12 मंडे इस फिल्म ने 1.24 करोड़ रुपए कमाए थे। डे 11, यस फ्रेंड्स, इस फिल्म का जो था वो काफी अच्छा था। यूजुअली जो डे 11 रहता है यानी कि मंडे, जब आपके फ्राइडे से 10% की कमी में हो देन योर फिल्म इज डूइंग कूल बिजनेस। इसकी बस 20% कम थी यानी कि ठीक ठाक बिजनेस था। 12वें दिन यानी कि ट्यूजडे इस फिल्म ने 1.10 करोड़ कमाए। 13वें दिन यानी कि वेडनेसडे इस फिल्म ने 1.05 करोड़ कमाए। और जो कल का दिन था यानी कि इसका 14वां दिन, इस फिल्म ने एग्जैक्ट 1 करोड़ कमाए। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का 14 दिनों का यानी कि 2 हफ्ते का टोटल जो है वो है 68.91 करोड़ रुपीज। यस फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट लगभग 70 करोड़ तक की कमाई इसने कर ली है। अब से ऑब्वियसली कलेक्शंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। दे दे प्यार दे अपने दूसरे हफ्ते में जा रही है। अलादीन को बहुत ही ग्रैंड रिलीज मिला है आज। सेम गोल्स फॉर नरेंद्र मोदी की बायोपिक को बहुत बड़ी रिलीज मिली है। एंड इंडियाज मोस्ट वांटेड भी 1100 स्क्रीन लेकर रिलीज हुई है हिंदुस्तान में, यानी कि थोड़ा टफ हो जाएगा इस फिल्म को। आई थिंक इसका लाइफ टाइम कहीं ना कहीं 72-73 करोड़ पे रुक जाएगा। वेलफेयर, अब इस फिल्म का कलेक्शन एग्जैक्टली इसके प्रोड्यूसर्स भेजेंगे मंडे को। तो हम मंडे मिलेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एपिसोड के साथ। फिलहाल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 2 हफ्तों के बाद 68.91 करोड़ रुपीज। ओके गाइस, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमरन साई साइनिंग ऑफ। यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।